छेड़ाखानी करते हैं आरएसएस वाले आपके साथ की, हम शर्मिंदा है कि उन पे एक बहन की रक्षा नहीं की गई, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? जो लोग तुम्हें वहाँ जाने के बाद बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता ये भी किसी की बेटी है, वो आप उनकी बात को ऊपर उठाने के लिए वहाँ पे गए, उन लोगों ने इतनी बदतमीजी आपके साथ कि हम परेशान है। मगर जब मैंने सवाल किया उसके बाद जो 10 मिनट में, 3 महीने से आंदोलन चल रहा जारी है, 10 मिनट में पूरा आंदोलन सिमट गया। वहाँ के स्थानीय लोग आ गए, उन्होंने कहा हमें कोई समस्या नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, सिंगू बॉर्डर पे डंडे और ईंटें चलते हैं, तब नहीं कुछ होता है। तो समस्या आरएसएस वालों को है। ये किसने तोड़ा? ये भाजपा वाले खुद तोड़ के अगर हमारा झंडा वहाँ डाल देंगे तो इसका मतलब सबसे बड़े आतंकवादी ये लोग जो आपका छपा इनके चले ना, ये है सबसे बड़े आतंकवादी आरएसएस के। आपने देखा आपके साथ बदतमीजी करी? आप लोग 3 महीने तक यहाँ रह रहे, 3 महीने से यहाँ पे आप कर रहे हैं ना कवरेज, किसी आदमी ने आज तक आपके साथ बदतमीजी करी? वहाँ जाते सार कैसे बदतमीजी करी उन लोगों ने आपके साथ? आपको तो पता चल गया ना, वे सबसे बड़े गुंडे हैं इस देश के, उन्होंने इस देश को बर्बाद किया। लाल किले पे दीप सिद्धू चढ़ा के और झंडा बांध दिया, इसी डाल ये कील लगवा भी रही है, पढ़वा भी रहे, ये तार यही लगवा रहे, यही पढ़वा रहे, सब इनके कारनामे। इन्हें तो सही मायने में बजाय सरकार के आतंकी घोषित कर देना चाहिए। मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें गाजीपुर बॉर्डर से चंद कदमों की दूरी पर एक धरना चल रहा था। वहां पर तथाकथित स्थानीय लोग धरना कर रहे थे, उन्हें दिक्कत थी कि यहां पर किलेबंदी कर दी गई है। मैंने जब सवाल किया कि किसानों ने तो रास्ता दिया था, ये किलेबंदी बीजेपी की तरफ से की गई है, तो क्या हुआ, वो आपने पूरा वीडियो देखा। अब यहां पर किसान मौजूद है, उनके सवाल इनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफा रिपोर्ट दिखाना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मौजूद हैं कई सारे लोग, बात करती हूँ सर। यहाँ पे स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे सर रेडिसन के पास में, उनका बोलना था कि यहाँ पे ये लोग ट्रैक्टर लेके गुजरते हैं, गाना बजाते हैं, महिला नहीं है। यहाँ पर मौजूद हैं कई सारे लोग, बात करती हूँ सर। यहाँ पे स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे सर रेडिसन के पास में, उनका बोलना था कि यहाँ पे ये लोग ट्रैक्टर लेके गुजरते हैं, गाना बजाते हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, एक बात तो बताओ, ये ढलाव है जो दिल्ली का जितना EDMC है, जो ईस्ट दिल्ली की जो वो है, उसका कूड़ा कचरा यहाँ आके पड़ता है डंपिंग एरिया में, और इसी डंपिंग एरिया में हम उस पर पड़े हैं, इस पर सर्विस लाइन पे मैन कैरिज भी हमने छोड़ रखे हैं, वो खुद पुलिस ने बंद कर रखे हैं, वो उधर से देख रहे हैं आप, हमने तो बंद। छेड़छाड़ का आरोप है? छेड़छाड़ का कोई नहीं करता है, और वहाँ पुलिस रहती है बाकायदा, सारी इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, कोई भी अगर बता दे, नहीं समझ रहे, किसी की मूंगफली भी उठाई है, किसी से कोई बदतमीजी की गई है, तो कोई भी बता सकता है, पुलिस है यहाँ, कंप्लेन करो पुलिस को करो ना, नहीं समझ रहे कि आप ही दरोगा बनोगे वो, या बीजेपी वाले ही बनेंगे सब कुछ? अब वो पुलिस नहीं है क्या, फोर्स नहीं है क्या? चार वो लगा रखी है, पैरामिलिट्री अलग है, PAC अलग है, UP पुलिस अलग है, तुम कंप्लेंट करो, हमारे लोगों को पकड़वाओ जो, और हमारे ऊपर जो आप दे रहे हो पता नहीं कौन है वो। ये तस्वीरों में पार्क की चेयर्स पड़ी हुई हैं, लोग अपना वापस पेड़ लगे हुए हैं। वहां पर दादाजी जो लोग बैठे थे उनका कहना है कि जो 26 जनवरी को आपने लाल किले पर किया, उसी के साथ साथ पार्क में भी वही किया, पार्क में सीटें उखाड़ दी, ये किसान है जो कि पेड़ उखाड़ रहे हैं। किसान ने कोई कील पाड़ी ना, किसान ने कोई पेड़ पाड़ा, इन्होंने कील लगाई, इन्होंने तीसरे दिन अपनी पाड़ ली, हमने तो और फूल और पेड़ लगाए माँ इनकी कील के सामने, भाई ये तो कील गाड़ रहे, हम बाल कगनिया फूल बस जमा रहे। थोड़ी दूर पर पार्क है, वहां पर उन्होंने तस्वीर दी, चीजें उखड़ी पड़ी, मगर उखाड़ते हुए कोई नहीं दिख रहा। हमने ना उखाड़ी, वे उखाड़ने वाले भी इनके, उखाड़ने वाले भी इनके ही हैं, और ये सारा कर्म करवाने वाले इनके, जैसे इन्होंने लाल किले पे दीप सिद्धू चढ़ा के और झंडा बांध दिया, इसी डाल ये कील लगवा भी रही है, पढ़वा भी रहे, ये तार यही लगवा रहे, यही पढ़वा रहे, सब इनके कारनामे। इन्हें तो सही मायने में बजाय सरकार के आतंकी घोषित कर देना चाहिए, हैं भी आतंकी, आप देख सकते हैं नहीं है ये हमारे साथ खड़े, छोटा काम कभी करती नहीं है, और इनका कोई सोला काम नहीं है, सारे काम ओले हैं, और ओले काम पर और फंसते ही चले जाएंगे, झूठ कहीं तक नहीं चलता, हमेशा सच चलता है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है। ये बताइए, वहाँ पे कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी कोई किसान तो है नहीं, पेट्रोल पंप तो उनके पास है, ईंट के भट्टे तो उनके पास हैं, इतना अमीर किसान किसी ने देखा है क्या? नहीं, वो तो टिकैत साहब ने बताया जांच कम हुई, और आदमी चाहेंगे जांच करने में, भी तो हो रहा है हमारे पास माल, अरे किसान का पेट्रोल पंप नहीं हो सकता, ये सड़क कहाँ बन रही,
किसान की जमीन पर बन रही ना, भट्टा कहाँ लगेगा? किसान की जमीन में लगेगा ना? पेट्रोल पंप कहाँ लगा? किसान की जमीन में लगेगा ना? ये बताओ जो कुछ भी इनके बताने से भी कुछ है। मैंने पूछ रहा अमित शाह के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? जो कोरोना काल में पीएमओ फंड बनाया था वो पीएमओ फंड का हिसाब क्यों नहीं देते मोदी जी? कहाँ है वो हिसाब? हमें तो नु बता रहे अगर हमारे पास फंडिंग आ रही, उस फंडिंग का हिसाब दो ना। जब देश भूखा मर रहा था और जब कोरोना से बचने के लिए मोदी जी को पैसे दिए थे, हमारे देश को बचाओ, वो पैसा कहाँ है? अपने ऐड में लगा रहे, अपने प्रचार में लगा रहे। अरे यहाँ गुंडे बैठा गए, 28 तारीख को वही काम करा, 28 तारीख को घेर गया, पता लग रहा ना डाकू कौन है, गुंडे कौन है, आतंकवादी कौन है, पता लग रहा। सबसे बड़े आतंकवादी ये लोग जो आपका छपा इनका चले ना, ये है सबसे बड़े आतंकवादी आरएसएस के। आपने देखा आपके साथ बदतमीजी करी? आप लोग 3 महीने तक यहाँ रह रहे, 3 महीने से यहाँ पे आप कर रहे हैं ना कवरेज, किसी आदमी ने आज तक आपके साथ बदतमीजी करी? वहाँ जाते सार कैसे बदतमीजी करी उन लोगों ने आपके साथ? आपको तो पता चल गया ना, वे सबसे बड़े गुंडे हैं इस देश के, उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। और पुलिस भी उनका साथ दे रही थी, इवन पुलिस वाले ने भी मुझसे सवाल किया कि आपके पास कितनी जमीन है। मैं पत्रकार होने के नाते इस तरह के जवाब दूं, तब वहां पर ये हुआ कि कहा गया कि ये बीजेपी उनका जो आंदोलन था, ये 3 महीने से आंदोलन जारी है, मैं यहाँ लगातार कवरेज कर रही हूँ, एकदम सुरक्षित हूँ, वहां पर पहुंची, अभद्रता आपको दिखाई। अब यहाँ पर किसानों से जवाब ले रही हूँ। सर, कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लड़के हैं ना, वो ट्रैक्टर से गाना बजाते हुए गुजरते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, यहाँ का आसपास का माहौल जो है वो अन्य दाता ने बिल्कुल खराब किया। अभी तक तो हमारे पास कोई रिपोर्ट आई नहीं किसी लड़के ना लड़की को छेड़ी। भाई हमारी भी माता बहना यहाँ आती है, सब आते हैं यहाँ पे, लड़कियाँ भी रहती है यहाँ पे, आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा। लेकिन जो बात इनकी है, पुलिस प्रशासन भी इनका साथ दे। 28 तारीख को क्या था, फोर्स तो इतने लगा दिया, आदमी यहाँ से आ सके ना जा सके, और उधर से पुलिस के साथ खड़ा हो नंद किशोर, है बीजेपी का विधायक खड़ा होकर के, आरएसएस के गुंडे खड़े होकर के हमें मारने का यहाँ प्रयत्न कर रही है। तो सब लोग जाने दिल्ली के अंदर दंगे हुए, पुलिस के साथ कौन खड़े थे? आरएसएस वाले। 2 दिन तक फिर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे दिल्ली के अंदर, कौन कर रहे? आरएसएस वाले। सबसे ज्यादा जाकर वहां नाम क्या ले रहे, हिंदू मुस्लिम का? आरएसएस वाले। सबसे ज्यादा दंगे आज तक जितने दंगे कराए, ये आरएसएस की देन है, और ये आरएसएस वाले इस काम को करते हैं। आपने देखा होगा जो यहाँ बैठे ना आरएसएस वाले बैठे ना, तो एक यहाँ क्षेत्र का आदमी है, वे आदमी है जो भाजपा के सिखाए हुए आदमी आकर के बैठे ना, वे व्यक्ति यहाँ विरोध कर रहे। और हम तो यहाँ कहे सरकार को, भाई ये कीलबंदी क्यों कर भाई, हमारे जो आसपास के आदमी है परेशान है, वे भी हमारे आदमी है, हम उनके भी हकों की लड़ाई लड़ रहे। सर, मैं यही सवाल करना चाहूंगी, आपने कहा कि परेशान है, वो लोग कह रहे थे कि हम परेशान है, मगर जब मैंने सवाल किया उसके बाद जो 10 मिनट में, 3 महीने से आंदोलन चल रहा जारी है, 10 मिनट में पूरा आंदोलन सिमट गया। वहां के स्थानीय लोग आ गए, उन्होंने कहा हमें कोई समस्या नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, सिंघु बॉर्डर पे डंडे और ईंटें चलते हैं, तब नहीं कुछ होता है। समस्या आरएसएस वालों को है, ये किसने तोड़ा? ये भाजपा वाले खुद तोड़ गया। अगर हमारा झंडा वहाँ डाल देंगे, तो इसका मतलब हमारा है। चोर चोरी करने वाला सबूत छोड़ेगा कभी सबूत नहीं छोड़ने का। ये ट्रैक्टर का दोष भी गलत दे रहे हैं, जो आदमी ट्रैक्टर पर चल रहा है और चलता हुआ लड़की ने कैसे छेड़ देगा? ट्रैक्टर पर जो चल रहा, क्या लड़की भी ट्रैक्टर लेके भाग रही उनके साथ? पहली तो ये होगी, लड़की मान लिया पैदल को जा भी रही है और ट्रैक्टर जा रहा, तो रफ्तार लड़की की और ट्रैक्टर की एक होगी। इनके सब मिथ्या है, झूठ है, बनावटी केस है। और जो ये हमारा झंडा घेरा, हम अपने झंडे को ऊंचा रखते हैं, घेरते नहीं। ये आरएसएस के लोग आते हैं और झंडा गिराते हैं और सारे ऐब करते हैं, पर एक चेतावनी हम दे रहे हैं, अगर ये हमसे भिड़ने की कोशिश करेंगे तो हम इनसे दूना प्रहार करेंगे, आगे हम मानेंगे नहीं। कतई हमारी दो नंबर के आदमी ना, हम इनकी डाल आतंकी ना, हम गलत आदमी के दौरे बैठते, इनके दौरे वैसा ही आदमी बैठेगा जो गंदा होगा। गंदे आदमी हर दौरे ना बैठे, मारे में क्यों ना फोटो उसके, मारे दौरे क्यों ना उसका फोटो, मेरी गैल बहुत फोटो आ रहे, बहुत बाढ़ का क्या रहे, दीप शुद्धि का क्यों ना आया? तो गंदा आदमी गंदी जगह बैठेगा। और हमेशा फिर एक मिसाल है, टट्टी जो है वह कीड़े पी जाएगी, समझे बेटे, ये गांव की मिसाल है। तो वो इन्हीं के घर जाएगा, क्यों? ये भी 2 नंबर के, वो भी 2 नंबर का, खालिस्तानी हो काम करने, उन्हें भी आदि हो गए, और अब ईव टीजर यानी छेड़खानी करने वाले भी हो गए किसान। किसान तो कभी छेड़खानी नहीं कर सकता, किसान देखो सीधा व्यक्ति है, छेड़खानी करते हैं आरएसएस वाले आपके साथ की। हम शर्मिंदा है कि उन पे एक बहन की रक्षा नहीं की गई, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? जो लोग तुम्हें वहाँ जाने के बाद बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता ये भी किसी की बेटी है, वो आप उनकी बात को ऊपर उठाने के लिए वहाँ पे गए, उन लोगों ने इतनी बदतमीजी आपके साथ की, हम शर्मसार है इस बात के लिए। अगर हम जा करके हम उनको जवाब भी दे देते,
लेकिन हमारा आंदोलन शांति प्रिय है और वो चाहते हैं कि हम हिंसा पावे, लेकिन हम हिंसा का आदमी नहीं है, हम तो शांति प्रिय है। हम सरकार को बोलेंगे, अरे रास्ते खोल दो, किसान कहीं नहीं जाएगा, किसान यही रहेगा, अपनी शांति से अपना आंदोलन चलाता रहेगा। आंदोलन को खत्म करने के लिए जो साजिशें की जा रही है, कहा जा रहा है भारतीय किसान यूनियन टूट चुकी है, यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर भी जो कुछ हुआ, अभी जो हुआ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से गाजीपुर से चंद कदमों की दूरी पर क्या हुआ, ये आंदोलन टूट जाएगा? ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है, ना ये टूटा। आपने देखा होगा जब इन्होंने दबाने का प्रयास किया, उससे दुगनी ताकत के साथ हम उभर के आए हैं, और आज भी पूरे भारत के अंदर जगह जगह पंचायतें चल रही है, पूरे पंचायतें बता रही होगी कितने आदमी आए हुए हैं, कितने गए हुए हैं, सारी मीडिया कवरेज करती है वहाँ पे। अगर ये झूठी अफवाह फैलाएंगे ना, इनका काम है झूठ फैलाने का। अब इन्होंने अपनी वहाँ से सेना तो हटा ली, पीछे फिंगर फोर्स है, थ्री पे आली है, इन्हें शर्म नहीं आती अपनी बात दबाने के लिए। चाह रहे कि जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दों को दबाओ जाओ, उठाओ जाओ, और तुम कुछ तो कुछ करो जाओ, ये भी बेक लो, वो भी बेक लो, वहाँ गलगान घाटी में जाकर कहाँ है उनकी ताकत, वहाँ कहाँ है वह शक्ति है? बता रहे कहला हमारा फैसला हो गया, अपनी सेना उल्टी हटा ली, फिंगर फोर पे थ्री पे लिया है, और वहाँ से चीन की जानी रही। अरे थारे में तो मैं वहाँ जाकर लड़ो ना, किसानों को क्यों मार रहे, किसानों के लड़ने नाम खड़े, इतनी फोर्स खड़ी कर दी, वहाँ कर दो ना इतनी तारबंदी, वहाँ करो तारबंदी, वहाँ चला गया ना पता, वहाँ नहीं करते ना, वहाँ नहीं कर सकते, दम नहीं है इनमें इतना, चाड़वे है ना, संगी है ना, डरते हैं, डरपोक है, पहले अंग्रेजों से डरते थे, पहले अंग्रेजों से डरते थे, अब देश वालों तो खुद ही डरे। जब जब आदमी तानाशाह हो जाता है ना, वो ज्यादा घबराता है, और आज के टाइम हमारी देश की सरकार घबरा रही है, मोदी घबरा रहा है, तानाशाह को घबराना पड़ता है, उसे नहीं पता कब क्या हो जाए। अब उनके अंदर एक डर है, एक भय है, तो अब वो क्या कहेगा अपनी बात, उनकी सोशल मीडिया आई टी सेल को एक्टिव रखते हैं, एक मिनट में भेज देते हैं, सर जी हमारा संगठन ना टूटा, ना टूटा कभी, कभी नहीं टूटना, नुक्कड़ नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा, पहले ज्यादा मजबूती के साथ है, और मजबूती के साथ ही संघर्ष करता है। बेटे एक बात बताओ, देख लो आप फोटो खींच लो, एक बात बताओ, आप आओ यहाँ, हम कहेंगे बेटे खाना खा लो, बेटे चाय पी लो, जब हम बेटा शब्द कह रहे हैं, बेटी शब्द कह रहे हैं, तो हम तो आतंकवादी बता रहे हमें तो, और जो मैडम कहे या और कुछ कहे, वे हो गए भले, वे निकम्मे हैं। इस किसान के यहाँ बेटी की और बहू की इतनी इज्जत है जितनी कुदरत के यहाँ, भगवान के यहाँ होती है। तो सुना आपने, हमारे साथ बुजुर्ग किसान भी थे और भारतीय किसान यूनियन के भी जुड़े हुए शख्स से, उन्होंने पूरी अपनी बात रखी, इज्जत मिलती है यहाँ पर। तीन महीने से ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन इस आंदोलन को तोड़ने की जो साजिश है, मैं इसलिए कहूंगी, एक पत्रकार के तौर पर मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि अगर ये उपद्रवी होते तो मोदी सरकार में भी इतना दम है कि एक मिनट में हटवा देती। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और देखते रहे द बोलती बंद। स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहे द बोलती बंद, सबकी होगी बोलती बंद, क्योंकि अब सिर्फ देश बोलेगा।